हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके फिर से अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। सीबीएसई आईसीएसई टर्म 1 की तैयारी कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट जो चाहते हैं कि उनका रिवीजन फास्ट ट्रैक हो जाए, जो चाहते हैं 40 आउट ऑफ 40 कवर करना, तो आपके लिए चैनल खास है। आपको अकाउंट, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स की तैयारी करा रहे हैं हम। डेली रात को 8 से 9 बजे लाइव क्लास चलती है। फिलहाल मैं आ गया हूं लेकर आपके लिए क्लास अपनी इकोनॉमिक्स की। आज फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर से लेकर आपके 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते रहना, नोट करते रहना और रिवीजन अपना करते रहना, ताकि आपके अच्छे से खासे मार्क्स जो है वो बन पाए। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट लॉस्ट इट्स इंपोर्टेंट ड्यूरिंग, जी हाँ, कौन सा, क्यों हुआ था, 19 में या 1910 में, 1920 में या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर जो आता है गाइस वो आप देख पा रहे होंगे, द राइट आंसर इज 1920। जी हाँ, 1920s में आप देख सकते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम जो था एक्सचेंज रेट लॉस्ट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जो फिक्स एक्सचेंज रेट होता है उसकी क्या क्या एडवांटेज होती है। अगर मेरे से पूछो तो देखो, प्रमोट करना फॉरन ट्रेड को या इंडस्ट्रियल फॉरन कैपिटल, जी आप सभी जानते हैं एक्सचेंज रेट क्या होता है। जैसे डॉलर है फिलहाल 74 रुपीज के बराबर होता है एक डॉलर का प्राइस, तो आप ये चीज कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर स्टेबिलिटी रहती है उसमें, वो स्टेबल रहता है, वो फिक्स रहता है, तो इसका फायदा होगा फॉरेन ट्रेड में, फॉरेन कैपिटल इंड्यूस होगी और इंक्रीज होगी फॉरेन फॉर्मेशंस। तो द आंसर इज डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज स्टिल फॉलो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, कौन सी कंट्री फॉलो करती है बताइए। कोई भी कंट्री नहीं करती भाई, कोई भी कंट्री नहीं करती, नन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से तो कोई कंट्री नहीं है, इनके तो फ्लैक्चुएट होते रहते हैं, आपको पता ही है ना। नन ऑफ दीज आंसर, प्राइस ऑफ वन कंट्री इन दैम ऑफ अदर फॉरन कंट्रीज करेंसीज इज डिटरमाइंड बाई फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई नोन एज, बताइए फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का कहां पर चलता है ये बताइए। क्या इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इनकम में चलता है, फिक्स एक्सचेंज रेट में चलता है, एक्सचेंज रेट में या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। इसका राइट आंसर है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ओके, नेक्स्ट इज द डैश एक्सप्रेसेस द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द करेंसीज ऑफ टू कंट्रीज, जी हाँ, तो जो करेंसीज टू कंट्री के बीच में होता है उसे क्या बोलते हैं। सब बच्चों को पता होगा ये आंसर, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉरन एक्सचेंज रेट, जी हाँ, फॉरेन एक्सचेंज रेट माना जाता है। जनरली द वैल्यू ऑफ करेंसी ऑफ अ कंट्री इज एक्सप्रेस इन देम ऑफ, बताइए किस में मापी जाती है किसी भी देश की करेंसी, यूएस डॉलर में। हमारी जो जो होता है ना या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो बना हुआ है आईएमएफ, उससे भी अगर किसी को लोन लेना होता है तो वो लोन भी आपको किस में मिलता है, यूएस डॉलर में। या डिवेल्यूशन ऑफ करेंसी इज कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, व्हाट इज द राइट आंसर, फ्लेक्सिबल है, फिक्स है और मैनेज फ्लोटिंग है, दैट इज फिक्स, द राइट आंसर इज ए। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन कमोडिटीज आइटम ऑफ डोमेस्टिक करेंसी आर प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट रेफर टू, यानी कि जो वैल्यू ऑफ फॉरेन कमोडिटीज होती है टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसीज आर प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट रेफर टू, दैट इज डीवैल्यूएशन, द आंसर इज बी। व्हाट विल बी द मोस्ट likely impact on the national income when in a country the price of foreign currency rise, तो बताओ क्या रहेगा वहां पर, क्या होता है। सिंपल सी बात है, देखो जो नेशनल इनकम है वो भी राइज होगी। जब करेंसी का रेट हाई होता है तो नेशनल इनकम लाइकली टू राइज, नॉट बी डाउन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज अ डिसएडवांटेज ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, बताइए इनमें से क्या होगा, क्या या एक्सेसिव फ्लक्चुएशंस होंगी या इनस्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगी। मैं कहता हूं बोथ, द राइट आंसर इज ए एंड बी बोथ। बिफोर द ब्रेटन वुड स्टैंडर्ड सिस्टम एक्सचेंज रेट आर पेस्ड अगेंस्ट, जी हाँ, अगेंस्ट गोल्ड, ये गोल्ड के ऊपर बना हुआ है, सिल्वर से कोई मतलब नहीं है, केवल गोल्ड ऐसा मैटर है जो एक्सचेंज रेट को इंपैक्ट डाल सकता है। The curve depicting the supply of foreign exchange is dash sloped, बताइए, that is positivity, ठीक है, positivity आती है,
तीन तरह के होते हैं ना, तो उसमें पॉजिटिव टीम आती है। सपोज द गवर्नमेंट प्लान टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ यूएस डॉलर फ्रॉम 50 to 45, द स्टेप इज नोन एज, क्या कहलाएंगे उसे? डैश ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जी क्या कहेंगे उसे? कहेंगे रिवैल्यूएशन। जी हां, हमारी करेंसी का रिवैल्यूएशन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जी, जो डिमांड होती है फॉरेन एक्सचेंज की डायरेक्टली रिलेट करती है फॉरेन एक्सचेंज से, प्राइस से? नो, बिल्कुल नहीं करती, फॉल्स। द फिक्स एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज ट्रू और फॉल्स? देखो, जो फिक्स एक्सचेंज रेट है उसे रिजर्व बैंक कैसे डिफाइन, रिजर्व बैंक हमारी देश में, हमारी करंट कंट्री में जो भी कुछ रिलेटेड टू द बैंक्स होता है, जो हमारी करेंसी के साथ होता है, उसका डिसीजन आरबीआई लेता है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स का आरबीआई से कोई मतलब नहीं है, दैट इज फॉल्स। या डिवेल्यूशंस एंड डेप्रिसिएशंस ऑफ करेंसी आर वन और द सेम थिंग, क्या ये एक चीज है क्या अलग है? देखो, डिवेल्यूशंस अलग है और डेप्रिसिएशन अलग है। डेप्रिसिएशन तो वो गया, जैसे डॉलर है अभी फिलहाल 74 रुपीज का आ रहा है, वो 80 का हो जाए तो वो डेप्रिसिएशन होगा, और डिवेल्यूशन हो जाएगा दोबारा से उसे हम रीचेंज कर दें। जी, द मार्केट वेयर फॉरेन करेंसीज आर ट्रेड इज नोन एज, क्या कहते हैं उसे? मनी मार्केट, जनरल मार्केट, फिनेंस मार्केट, क्या बोलते हैं बच्चों? देखो, मनी मार्केट में होती है जो हमारी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है। जब फॉरेन की बात आती है तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है, जो आपकी प्लेटफॉर्म, जो आपकी एयरपोर्ट्स पर भी होती है, स्टेशन पर भी होती है, और सराफा मार्केट इसमें भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इंक्रीज इज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक कमोडिटीज इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इज नोन एज, क्या कहलाएगी? आइदर ए और सी, रिवॉल्यूशन और एप्रिसिएशन, ए और सी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अकाउंटेड फॉर द कॉज ऑफ डिवेल्यूशन ऑफ करेंसी इन ए कंट्री, बताइए। इंक्रीज द डोमेस्टिक फ्लक्चुएशन रेट, डोमेस्टिक रियल इंटरेस्ट बाय फॉरेन एक्सचेंज रेट, मच इंक्रीज इन द इनकम, ऑल ओवर द राइट आंसर इज डी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, 20% चांस होते हैं किसी भी क्वेश्चन में ऑल द अबव ठीक होने के, 5% चांस होते हैं नन ऑफ द अबव ठीक होने के, और ए एंड बी के जो चांस होते हैं वो 2% होते हैं मात्र। जी, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट इज, क्या रहते हैं इन दोनों के बीच में? जो इन दोनों के बीच में रिलेशन रहता है बच्चों, वो इनवर्स रहता है, समझ गए? जी, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज इंडिकेट्स, व्हाट इज द राइट आंसर? जी, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, कहीं ना कहीं इसके लिए क्या होगा, करेंसी का एप्रिसिएट करना। ड्यू टू एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल, सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल क्या होगा? रिमेन कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है, कोई बदलाव नहीं होगा। क्या मतलब उसका उससे? द यूएस एक्सचेंज रेट फॉर रुपीज इज 75 नाउ एज कंपेयर टू 63 प्रीवियसली, सो दिस शोज दैट द वैल्यू ऑफ रुपीज हैज, क्या हुई, जैसे डॉलर का रेट बढ़ा है तो इंडिया की वैल्यू को क्या हुआ है? सिंपल सी बात है, डेप्रिशिएट हुई है, वैल्यू कम हुई है। जितना डॉलर सस्ता होगा उतना इंडिया का रेट की वैल्यू बढ़ेगी। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द करंट सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंटरनेशनल मार्केट, दैट इज ट्रू, क्योंकि फ्लेक्सिबल रेट जो है वो सप्लाई और डिमांड जो होती है इंटरनेशनल मार्केट में उस पर इंपैक्ट सीधा सीधा डालता है बच्चों। आज का लास्ट क्वेश्चन, करेंसी एप्रिसिएशन, जी हाँ, करेंसी एप्रिसिएशन डिपिक्स अ सिचुएशन वेयर डोमेस्टिक करेंसी गेन्स इट्स वैल्यू इन रिलेशन ऑफ अ फॉरेन करेंसी, मे बी इट इज ट्रू, यस द राइट आंसर इज ए बच्चों। तो आज के ये थे 25 क्वेश्चंस, आई होप आप सबको समझ में आगे कवर कर लिए हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलते हैं आपसे एक और फर्स्ट क्लासी क्लास में। थैंक यू वेरी मच।